Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth. तो हे पीप्स, कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ और स्वागत है आप लोग का एक और ब्रांड न्यू चकचकाती वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला कंटेंट दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को स्क्वाड हाउस में रश करना बहुत आसान पड़ेगा। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो टिप नंबर वन है कि जैसे आप लोग कभी भी रश करते हैं, तो मान लीजिए सामने बंदे हैं, तो आप लोग रश करते हैं, सीधा जाके ठोक देते हैं, ना आओ देखा ना ताओ। लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये पगला वगला गया क्या? नहीं, आप लोग को ऐसा नहीं करना है। आप लोग को कॉर्नर्स पे ठोकना है, मतलब जो ये कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ताकि आप लोग लाइन ऑफ फायर में ना। चलिए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप लोग ये गए और शान से ठोक दिए, तो मान लीजिए अगर एक इस साइड से कूदा या एक उस साइड से कूदा, तो आप दोनों लोग निपटा सकते हैं। अगर स्क्वाड खेल रहे तो दो इस साइड कूदेंगे और दो उस साइड कूदेंगे, तो आराम से आप लोग लाइन ऑफ फायर में नहीं आएंगे। तो टिप नंबर टू है, आप लोग जब भी रश करें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि बंदे ना हो, तो अगर है तो निपटा दीजिए आप, फिर बाकी का रश करिए। तो टिप नंबर थ्री है, आप लोग गाड़ी से नॉर्मली उतरते, तो मैं आप लोग को, अगर आप लोग पूछेंगे कि पास वाले स्क्वाड हाउस में, तो मैं आप लोग को ट्रिक दिखाता हूँ। आप लोग को नॉर्मली ये डब्बा गाड़ी पे चढ़ना है, फिर आप लोग को यहाँ से ऐसे जाके ये जो सामने वाली जगह दिख रही है वहाँ पे ऐसे करके कूद जाना है नॉर्मली। फिर अक्सर यहाँ पे बंदे कैंप करते पैनिक रूम में, और आप लोग को निपटा देना है उन्हें, और काफ़ी आसानी पड़ेगी बंदे को, मतलब थोड़ा सा भी डाउट नहीं हो कि वहाँ से आ सकता है बंदा, और वो नहीं पड़ेगा। तो टिप नंबर चार है, आप लोग कभी भी रश करते हैं तो यहाँ पे एक बंदा ज़रूर कैंप करता है, और वो ये एक ऐसी जगह जहाँ पे नेड आ ही नहीं सकता, मतलब ये एक ऐसी जगह जहाँ पे नेड ही नहीं आ सकता कहीं से आप लोग फेंक दें। तो मैं आप लोग को ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से नेड कर सकते हैं, और आपको कोई मतलब पक्का नॉकआउट होगा, 100% गारंटी। अगर आपका सही जा रहा है नेड, तो पक्का नॉकआउट हो जाएगा। आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आके ये जो दरवाज़ा दिख रहा है बंद है तो तोड़ देना है, नहीं बंद है तो आप लोग के लिए अच्छा ही है। फिर मैं अपने बंदे को वहाँ खड़ा कर दिया हूँ। अब आप लोग को मस्त फुल कुक करके एक नेड फेंकना है प्यारा सा, और उसकी खोपड़ी तोड़ देनी है। देखिए नॉकआउट हो गया है, मैं प्रूफ भी दे दिया आप लोग को। अब मैं दिखा देता हूँ आप लोग को ऊपर जाके, ये अगर एक दो बंदे तो दोनों नॉकआउट जाएंगे। अब मैं मस्त उसको रिवाइव करके भगता हूँ, वरना मैं निपट जाऊँगा। तो टिप नंबर फाइव है, आप लोग को मैं इस क्लिप में बहुत ही बढ़िया वाले ओपी वाले नेड पॉइंट्स दिखाऊंगा जहाँ से आप लोग नेड कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग को फुल कुक करके नेड फेंकना है पैनिक रूम में, यहाँ पे बंदा जरूर रहता है। फिर आप लोग को एक रैंडम नेड फेंक देना है ये जो बीच वाला जगह होती है, ताकि जो वहाँ पे बंदे कैंप कर रहे हैं वो नहीं पड़ जाएँ। और फिर आखिरी नेड आप लोग को कुक करके फेंकना है यहाँ पे, कि यहाँ पे भी कुछ लोग बंदे टीवी ले रहते हैं, ऐसे करके आप लोग सारे निपटा सकते ज़्यादातर बंदे। तो टिप नंबर सिक्स है, आप लोग कभी भी रश करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ बंदे कैंप करते हैं, तो पहली फुर्सत में आप लोग निपट जाते हैं। और ये टिप मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ये मेरी पर्सनल फेवरेट टिप है। आप लोग क्या करना है, मस्त एक स्मोक ग्रेनेड लेना है, और इसको लो टॉस या हाई टॉस जिस पे भी आप लोग करना है करके, कुक करें या ना करें, आप लोग को ऐसे इसको फेंक देना है। तो ये नेड अब फट जाएगा, और आप लोग को यहाँ से मैंने गलती कर दी, मेरा जंप हो गया, हम लोग को खिड़की भी चढ़ना है। अब जैसे मैं चढ़ रहा हूँ, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ऐसे चढ़ना है इस पर, फिर बेचती होगी, हाँ तो ऐसे चढ़ना है आप लोग को, और बहुत ही धीरे धीरे अपना एनालॉग आगे करते करते आप लोग को ये जो पट्टी ऐसी दिख रही है, आप लोग का निकला हिस्सा है, वहाँ पे आप लोग को धीरे धीरे एनालॉग आगे करते करते सीधे जाना है, और बंदे जो बंदा है यहाँ पे उसको टपका देना है आप लोग को। बहुत ही आसान ट्रिक है। तो टिप नंबर सात है हम लोग की, आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि ऐसे आप लोग बंदे देख सकते हैं विदाउट गेटिंग एनी डैमेज। तो आप लोग क्या करना है, FPP स्विच करना है और ब्रेकडाउन इमोट कर देना है, और अगर नहीं है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, FPP स्विच करके हेल्थ लगाइए तो आप लोग को दिख जाएंगे। अब क्या, बस अपना जो भी गन है आप लोग वो सेलेक्ट करिए, फिर राइट की तरफ पीक करिए, और उसको निपटा दीजिए उसको, फिर वो पहली फुर्सत में लॉबी में चला जाएगा। तो हमारी टिप नंबर एट है, जैसे आप लोग कभी भी जाते हो तो कुछ चोर बंदे यहाँ पे US पार्क कर देते हैं, और ऊपर मस्त कैंपिंग करने लगते हैं नूब टाइप। तो आप लोग को मैं बताता हूँ क्या करना है ऐसे नूबड़ों को निपटाने के लिए। आप लोग गाड़ी ले जानी है, पहले दरवाज़ा खोल देते हैं, तो दरवाज़ा खोल देना है आप लोग को, और जो गाड़ी का बोनेट है वो आप लोग को ये दरवाजे से बिल्कुल चिपका देना है, ताकि आप लोग ऊपर चढ़ने में आसानी हो। तब आप लोग उतरेंगे और इस पर कूद के ये डोर पर चढ़ जाएंगे आप लोग दरवाजे पर, और फिर अंदर जाके अगर नीचे बंदा यहाँ पे कैंप कर रहा था उसको निपटा दीजिए,
और अगर ऊपर हो तो उसको भी निपटा सकते हैं आसानी से। तो हमारी टिप नंबर 9 है, तो कभी कभी कुछ नूब के बच्चे ऊपर यहाँ पे भी कैंप कर रहते हैं, तो इनसे निपटने के लिए आप लोगों के पास एक ट्रिक है, गाड़ी को अपने यूएस को स्लांट पोजीशन में कर दीजिए, उस पर कूदते रहिए। मैं मिथ बस्टर्स में अपने इस वीडियो में दिखाया हूँ, नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए जाके। तो टिप नंबर 10 है, तो यहाँ पे कुछ बंदे ये देखिए कैंप करते रहते हैं, जैसे अभी ये किया है, ये तो मेरा टीममेट ही है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आप लोग कुछ बार कूद के ट्राई करेंगे, मतलब कूद के डबल टैप करना है, जैसे लेज ग्रैब होता है, तो एक दो बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए ऐसे हो गया मेरा 4-5 ट्राई में, फिर क्या जाए और खोपड़ी तोड़ साले की। इससे आप लोग बहुत बहुत महारथी कैंपर्स को भी निपटा सकते हैं। तो चलिए गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, और भी जो जो कर सकते हैं सब कर दीजिए, तो मैं खुशी अपरंपार हो जाएगी मेरी। तो घबराइए नहीं, आप लोग टेंशन ले ली कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा हाउ टू डिफेंड स्क्वाड हाउस, तो आप लोग बहुत ही आसानी से ऐसे सटकेलों से निपट सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, मैं चलता हूँ, बाय बाय।